हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं एक अच्छा गेमिंग मॉनिटर और आपका बजट है 10,000 के अंदर, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे गेमिंग मॉनिटर्स के बारे में जो कि है बहुत शानदार और उनकी प्राइस भी बहुत कम है, 10,000 के अंदर है। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मॉनिटर जो आता है वो आता है एसस का VP228H। तो यहाँ पर आपको इसकी मॉनिटर की साइज़ मिलती है 21.5 इंच, और यहाँ पर आपको ये फुल एचडी प्लस वाला मॉनिटर मिलता है। और इसमें रिस्पांस टाइम की बात करें तो आपको इसमें 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको इसमें लो ब्लू लाइट और फ्लिकर फ्री का सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और एक गेमिंग एक्सपीरियंस हो चाहे नॉर्मल मॉनिटर हो, हमें ये प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहिए। ये दरअसल लो ब्लू लाइट एमिशन का सर्टिफिकेशन ये होता है कि वो जो मॉनिटर है आपका, वो जो एमिट करता है लाइट्स वगैरह, रेडिएशन वगैरह, तो वो इतनी कम होती है कि हमारे आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। और फ्लिकर फ्री वो होता है कि मतलब हमारी इमेज कितनी, मतलब वो हिल रही है, कितनी फ्लिकर हो रही है। तो ये यहाँ पे दोनों आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे एक अच्छी बात है। इस मॉनिटर की स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 75 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलती है। इसके अलावा आपको इसमें एसस का जो एक्सक्लूसिव गेम प्लस वाला फीचर है वो भी आपको इसमें मिलता है। अब बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक, VGA, HDMI और DVI पोर्ट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको इसमें 1.5 वॉट्स के स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी इन बिल्ट इन्होंने दिया है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये मॉनिटर आपको 8,700 रुपीज़ में मिल जाता है। सेकेंड नंबर पे जो हमारा मॉनिटर आता है वो आता है एसर की तरफ से, एसर का KG221Q वाला मॉनिटर। इसकी स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 21.5 इंच की एक फुल HD प्लस वाली स्क्रीन मिलती है विद 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। इसके रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, और आपको इसमें 75 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस मिलती है, और इसमें आपको 16.7 मिलियन कलर्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको बैक में जो है वो दो वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अच्छे साउंड के लिए। और इसमें आपको एक एडिशनल फीचर ये भी मिलता है कि आपको इसमें AMD FreeSync वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि आपकी जो डिस्प्ले की फ्रेम रेट है और जो वीडियो कार्ड की फ्रेम रेट है, तो उन दोनों को ये मिक्सअप करती है, उन दोनों को सिंक करती है, ताकि आप जो वीडियो या गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपको स्मूथ गेमिंग प्ले गेम प्ले मिले, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिले, जिससे कि आपका गेमिंग अच्छा हो। इसके व्यूइंग एंगल की बात करें तो यहाँ पर आपको 178 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आपको इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 8,500 रुपये में मिलता है। तीसरे नंबर पर जो मॉनिटर आता है वो आता है LG की तरफ से। इस मॉनिटर का मॉडल नंबर है 22MK400H। यह स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 22 इंच की स्क्रीन मिलती है, फुल HD प्लस वाली स्क्रीन है यहाँ पर। इसमें आपको 75 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। बात करें इसके रिस्पांस टाइम के तो यहाँ पर आपको 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको AMD FreeSync वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्ले की फ्रेम रेट है और जो वीडियो कार्ड की फ्रेम रेट है, ये उन दोनों को सिंक करती है, उन दोनों को मिलाती है, ताकि आपको स्मूथ गेमिंग और वीडियो एक्सपीरियंस मिल सके। अब पोर्ट की बात करें तो बैक में आपको 3.5 mm जैक, HDMI और VGA पोर्ट मिलता है। इसके अलावा एक और अच्छा फीचर है इसमें कि आपको इसमें वॉल माउंट का भी फीचर मिलता है। इस मॉनिटर की प्राइस की बात करें तो ये आपको 7,000 रुपये में मिलता है। फोर्थ नंबर पे जो मॉनिटर आता है वो आता है एसर की तरफ से। ये एसर का नाइट्रो है और इसका मॉडल नंबर है QG221Q। इसकी स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 21.5 इंच की एक फुल HD प्लस वाली स्क्रीन मिलती है, जिसमें आपको 75 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। अब इसके रिस्पांस टाइम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है, जो कि अच्छी बात है। अब इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको AMD FreeSync वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, और इसके अलावा बैक में आपको एक VGA पोर्ट मिलता है और 2 HDMI के पोर्ट मिलते हैं। इसमें भी आपको वॉल माउंट का फीचर मिलता है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर यह मॉनिटर आपको मिलता है सिर्फ 8,000 रुपये में। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 250 निट्स वाली ब्राइटनेस मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है, मॉनिटर या कंप्यूटर के हिसाब से अच्छी है। फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो मॉनिटर आता है LG की तरफ से। इसका मॉडल नंबर है 24MP59G। ये दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी मॉनिटर बताए हैं उसमें सबसे बड़ी स्क्रीन साइज़ है, 24 इंच की आपको यहाँ पर स्क्रीन साइज़ मिलती है, और वो भी फुल HD प्लस वाली। एक IPS पैनल वाली डिस्प्ले है दोस्तों, और इसमें आपको रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज़ मिलती है और रिस्पांस टाइम 1 मिलीसेकंड का मिलता है। इसके अलावा इसमें भी आपको AMD FreeSync वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
इसके अलावा आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जैसे कि डायनामिक एक्शन सिंक है, जो कि आपको गेमिंग वगैरह खेलते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आपका जो एक्शन वगैरह आप कर रहे हैं तो प्रॉपर सिंक हो और प्रॉपर डिस्प्ले हो स्क्रीन पर, ताकि आपको कोई लैग ना मिले। इसके अलावा आपको इसमें ब्लैक स्टेबलाइजर भी मिलता है, ताकि आप अगर अंधेरे या नाइट में गेम खेल रहे हैं तो आपके आंखों पर स्ट्रेस ना पड़े। इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको इसमें इस मॉनिटर को आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैक की बात करें तो इसमें आपको HDMI, VGA और 3.5 mm जैक और डिस्प्ले पोर्ट मिलता है बैक की साइड में। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मॉनिटर जो है 9,900 रुपये में मिल जाता है। दोस्तों, ऐसे कई और भी मॉनिटर्स हैं जिनकी प्राइस 10,000 के नीचे हैं और वो अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए मॉनिटर चाहिए हैं तो मैंने आपको जो अभी मॉनिटर्स वगैरह बताए हैं तो उसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं कुछ, जैसे कि गेमिंग मोड हो गया, या उसमें कम रिस्पॉन्स टाइम हो गया और हायर रिफ्रेश रेट हो गया। तो आपको एक गेमिंग गेमिंग के लिए आपको ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, एक अच्छा मॉनिटर एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये सब चीज़ें तो चाहिए ही होती है, तो इसीलिए मैंने उन सब को नेगलेक्ट करके आपके लिए ये बेस्ट मॉनिटर्स निकाले हैं, ताकि आपके एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।